अच्छा भाई अब हम लोग जा रहे हैं लेना है, बाइक चला रहे हो फुल राइडर बन के, ठीक है। और हम लोग बाकी सारे निकल चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है, वेलकम हो गया मेरे न्यू व्लॉग के अंदर। तो यार जैसे कि तुम लोगों ने पिछले व्लॉग में देख लिया था, मैं सुबह 4 बजे पहुँचा हूँ, उसके बाद तो मैं सो ही गया था। फिर अभी उठा हूँ, अभी 3 बज चुके हैं, अभी अभी उठा हूँ। तो अभी अभी हम लोग शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि अबू भी काफ़ी देर से उठाए जा रहे थे कि भाई जल्दी से उठो, शादी में जाना है, शादी में जाना है, और 5 बजे वहाँ पहुँचना है। तो भाई अभी पूछते हैं उमर भाई से कि क्या हाल चाल है, क्या सीन है इनका, अब तैयार शैयार हो गया कि आएँ? फिर मैं आपको अपने कज़न वज़न से मिलवाता हूँ, क्योंकि मैं आप लोग को तो जैसे कि बताइए मैं लाहौर आया हूँ और लाहौर में आप फूफा के घर रुका हूँ, तो आएँ मैं आपको अपने कज़न से मिलाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? शुक्र, आप बताओ। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? बस अल्लाह का शुक्र। क्या सीन है शादी का? सीन ये है कि कपड़े मेरे रेडी हो चुके हैं, मैं इस्त्री कर चुका हूँ, और बस अब नहाने के लिए जा रहा हूँ, और इंशाल्लाह हम अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं, बल्कि इनको भी दिखाते हैं कि लाहौर की शादी कैसे होती है। और तुम्हें ये बता दूं 10 बजे तक टाइम होता है, 10 बजे के बाद लाइट, बल्कि 9:30 बजे लाइट्स बंद होना शुरू हो जाती हैं, तो तुम भी जल्दी तैयारी पकड़ लो। हाँ यार ये भी सीन है, तो आज हम 5 बजे तो निकल जाएंगे उनके घर, ठीक है, जिनके साथ शादी में जाना है। फिर उसके बाद तैयार वैयार होते हैं, अभी शादी में जाते हैं। 3:05 हो रहे हैं और हमने जाना है शादी में। अबू ने अभी बड़ी ज़बरदस्ती उठाया है, और मेरे तो ये वाले कपड़े निकले हैं, ठीक है। तो ठीक है, नहाता धोता हूँ, दाढ़ी वाड़ी शेव बनवाता हूँ, क्योंकि दाढ़ी बड़ी कुछ ज़्यादा ही बड़ी बढ़ गई है, अब इसको कटवाते हैं, थोड़ी सेट करते हैं दाढ़ी, ठीक है। नहाता हूँ, उसके बाद तैयार है यार, रोके मिलता हूँ, ठीक है भाई। ये देखें जी, ये मेरे दूसरे कज़न है जवाहर साहब, क्या कर रहे हैं? मैं यार कपड़े प्रेस कर रहा हूँ, रात को शादियों में मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। चले भाई साहब, शादियों में मुलाकात करेंगे या साथ लेकर जाएंगे? नहीं, आपको साथ लेके जाऊंगा शादी के, वहाँ पे आराम से बात करेंगे, थोड़ा सा लेट। नहीं, रास्ते में भी बात करेंगे, आप टेंशन नहीं ले, वहाँ जाके आराम से हम रास्ते में करेंगे, रास्ते में ज्यादा मजा आएगा। 2 hours later। अच्छा भाई अब हम लोग जा रहे हैं, लेना है बाइक चला रहे हो फुल राइडर बन के, ठीक है। और हम लोग बाकी सारे निकल चुके हैं, और जैन भाई ऐसे हम लोग इतना लेट हो चुके हैं कि वहाँ पे खाना लगने वाला, और शायद खाने ही निकलना चाहिए। खिलाएंगे आप पंडा? हाँ मैं खिला दूंगा। तो वहाँ चलते हैं, फिर वहीं पर आपको उनके पास ही मिलते हैं। आइए आइए बेटी, क्या हुआ भाई? यार बंदा कौन पिछले दिनों में आया था रात्रि, यहाँ फिर ठीक गाड़ी थी, ये हाथ तो मिला लो। शाह साहब की तबीयत ठीक नहीं है, इनके लिए जो है ना, तमाम व्यूअर्स से वो यार गुजारिश है कि जब तक ये लाहौर में हैं और ये यहाँ पे आए हुए हैं, तो इनके लिए दुआ करें कि इनकी सेहत के लिए, ताकि आपको फिर मज़ीद व्लॉग बनाए, नहीं तो मज़ीद व्लॉग बन नहीं सकेंगे। अब खाना भी आ गया है, कि कराची और लाहौर के सिस्टम में थोड़ा सा फ़र्क है, और यहाँ का सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा। यार जैसे कि अबू ने तुम लोग को बता दिया होगा कि भाई मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसकी वजह से आगे का व्लॉग बना नहीं सका, अभी अभी घर आए थे हम लोग,
और हालत ख़राब हुई हुई है, तो इसलिए अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड लगाते हैं और मैं भी सोने चलता हूँ। और दुआ करना कि मैं ठीक हो जाऊँ ताकि कल का व्लॉग मेरे को मिल सके। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।